दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भी हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एक कंपनी के डाटा को हम दूसरी कंपनी में किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या हम यूं कह सकते हैं हम इसको किस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए जैसा कि हमारे पास ये जो कंपनी अभी ओपन है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की, और इस कंपनी में हमने लेज़र भी क्रिएट किए हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, और इसी कंपनी में हमारे पास कुछ स्टॉक आइटम भी है और कुछ हमने वाउचर की ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर करके रखी हुई है। तो सबसे पहले हम एक बार पीरियड ओपन करेंगे तो आप देख रहे हो सारी वाउचर ट्रांजैक्शन है। लेकिन अब हमें ये बात चाहिए भी इस कंपनी में जो हमने केवल स्टॉक आइटम क्रिएट करी हुई है, हमें टोटल सारा रिकॉर्ड दूसरी कंपनी में नहीं चाहिए, हमें केवल इस कंपनी में जो स्टॉक आइटम हमने क्रिएट करके रखी हुई है वही डाटा हमें दूसरी कंपनी में लेके जाना है, क्योंकि उस कंपनी के जो डेब्टर्स है वो अलग रहेंगे, जो उसके सप्लायर है वो अलग रहेंगे, जो उनके कंपनी के एक्सपेंसेस है वो अलग हैं। तो हमें इन लेजर्स की डिटेल हमें नहीं चाहिए, केवल हमें इस कंपनी में जो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करके रखी हुई है वो केवल स्टॉक आइटम को ही कॉपी करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में ये सारी बातें आज आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा भी हम किस तरीके से एक कंपनी के डाटा को हम दूसरी कंपनी में एक्सपोर्ट करवाते हैं। तो वीडियो सारा ही प्रैक्टिकली रहने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों हमें इस कंपनी के रिकॉर्ड को दूसरी कंपनी में एक्सपोर्ट करवाना है, तो इसके लिए हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट इस लिस्ट में हम दिखा देंगे, एक हम बिल्कुल फ्रेश कंपनी क्रिएट करेंगे और उस कंपनी में हमें जो इस हमारी जो प्रेजेंट टाइम की जो कंपनी ओपन है इसका स्टॉक आइटम जो है उसको वहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे, एक्सपोर्ट कराएंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो हम फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे जेड जेड के नाम से कंपनी क्रिएट कर ली और बाकी सभी डिटेल्स को एक बार मैं स्किप कर रहा हूँ और मैंने ये कंपनी क्रिएट कर ली। हम इस कंपनी को सिलेक्ट कंपनी की लिस्ट में जाके देखेंगे तो हमारे पास ये कंपनी अब हमने नई क्रिएट कर ली। और जब इस कंपनी को हम ओपन करेंगे, एल्टर पर जाएंगे, लेजर पे जाएंगे तो आप देख रहे हो केवल दो ही लेजर इसके अंदर बने हुए हैं और स्टॉक आइटम के अंदर इसके अंदर कोई भी स्टॉक आइटम नहीं है। अब हमें इस कंपनी में जो स्टॉक आइटम जो लेके आनी है वो हमारी जो फर्स्ट कंपनी है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, इस कंपनी की स्टॉक आइटम हमें लेके आनी है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो प्रेजेंट टाइम में एक कंपनी को हम शट कर देंगे और ये इस कंपनी को ओपन रखेंगे। तो अब इसके लिए हमें इस कंपनी का जो स्टॉक आइटम है उनको सभी को कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के लिए हमें एक XML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, इसके लिए हम जाएंगे एक्सपोर्ट पर, आपको एक्सपोर्ट पर जाना होगा और एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा मास्टर, मास्टर पर हम जाएंगे और उसके बाद में अभी आप देख रहे हो यहाँ पर आपको आ रहा है टाइप ऑफ मास्टर में लेजर्स, आपको लेजर नहीं एक्सपोर्ट करानी है जबकि स्टॉक आइटम आपको कॉपी करनी है। तो हम इसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगर ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा लेज़र और इसके ऊपर हम इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसी लिस्ट और आ जाएगी टाइप ऑफ मास्टर की, तो इसमें से कौन से डाटा को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो हमें चाहिए स्टॉक आइटम, तो इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे स्टॉक आइटम को। तो अब आप देख रहे हो लेज़र की जगह हमारे पास नाम आ गया स्टॉक आइटम्स। और उसके बाद में हमारा जो डाटा का फाइल फॉर्मेट है वो आपको ध्यान में रखना, ये XML फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके बाद में हम इसकी लोकेशन सेट कर देंगे, डेस्कटॉप पर हम इसको सेव कर देंगे और इसको हम कर देंगे डेस्कटॉप पर। तो जैसे हम डेस्कटॉप पर कर दिया और इस फाइल का नाम रहेगा master.xml, तो आप फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हो बट आपको .xml लास्ट में लगाना ज़रूरी है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो master.xml का नाम आ रहा है इसी को हम रहने देंगे और इसको हम कर देंगे यहाँ पर सेंड। तो जैसे हम इसको सेंड करेंगे तो हमारे पास ये डेस्कटॉप के ऊपर ये XML डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी 522 KB की। तो अब इसके बाद हम उस कंपनी को ओपन करेंगे जिसके अंदर इस स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करवाना है। तो कंपनी पर जाएंगे, सेलेक्ट पर जाएंगे
और हमने जो अभी अभी कंपनी क्रिएट करी थी इसको ओपन कर लेंगे। अब इस कंपनी में जाने के बाद अभी एक बार हम वापस देख लेंगे, अल्टर पर जाएंगे, स्टॉक आइटम पर जाएंगे तो कोई कंपनी आपके सामने यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम जाएंगे इंपोर्ट के ऑप्शन पर, ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंपोर्ट का, इंपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा मास्टर, मास्टर पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको वो फाइल जो हमने अभी मास्टर डॉट एक्सएमएल की जो एक्सपोर्ट करी थी वो यहाँ पर लेके आनी होगी, उसका पाथ हमें यहाँ पर देना होगा। तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर हम जाएंगे और उसके बाद जो हमारी फाइल थी वो डेस्कटॉप पर थी और डेस्कटॉप पर हमारी मास्टर डॉट एक्सएमएल के नाम से ये फाइल हमने क्रिएट करी थी। तो इस फाइल को हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो उसके बाद में आपके पास ये ऑप्शन आएगा कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, तो आपको इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इग्नोर डुप्लीकेट्स, इग्नोर डुप्लीकेट्स का मतलब मान लीजिए सेम जो स्टॉक आइटम है वो आपके पास ऑलरेडी पहले से क्रिएट है तो आप उसमें से एक ही रखना चाहोगे, या मॉडिफाई विद न्यू डाटा, तो अगर आपके पास ऑलरेडी है उसी को मॉडिफाई करना है, तो हमें उन दोनों को ऑप्शन को इग्नोर करना है और फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है कंबाइन ओपनिंग बैलेंस तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हमने ये इसको इंपोर्ट करवाएंगे। तो अब हम इस कंपनी में जाएंगे और वापस स्टॉक आइटम पर हम जाएंगे। तो जैसे हम स्टॉक आइटम पर जाएंगे तो आप देख रहे हो इसके अंदर वो सारी की सारी स्टॉक आइटम हमारी इस कंपनी में जनरेट हो गई है। वापस हम एल्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, तो अभी आप देख रहे हो लेजर कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने केवल स्टॉक आइटम ही इंपोर्ट करवाई थी। तो एल्टर पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पर वापस जाएंगे तो इस आइटम के अंदर जो भी हमारा ग्रुप था इस स्टॉक आइटम का वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसके बाद में इस स्टॉक आइटम से संबंधित जो भी हमने जीएसटी डिटेल यहाँ पर फिलअप करी हुई है वो जीएसटी डिटेल भी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक जो जिस कंपनी में पहले ऑलरेडी थी वो एज इट इज डाटा उस स्टॉक आइटम से रिलेटेड आपकी नई कंपनी में इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी काफ़ी सारी मेहनत है वो बच सकती है। तो इस टाइप की जो ज़रूरत होती है वो इसीलिए होती है, भी मान लीजिए आपके पास भी सेम टाइप की ही ट्रेडिंग बिजनेस आप करते हो लेकिन आपके कस्टमर अलग है, आपके सप्लायर्स अलग है, आपके कंपनी के एक्सपेंसेस अलग है, तो आपको उन सभी को इग्नोर करना है। लेकिन आप चाहते हो भी स्टॉक आइटम हमें उसी कंपनी की मिल जाए ताकि आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने में, कंपनी का एचएसएन कोड डालने में आपको कोई दिक्कत ना हो, उसका जो टैक्स रेट है उस स्टॉक आइटम का उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, तो हम केवल वहाँ से स्टॉक आइटम को ही हम कॉपी कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम लेजर्स को भी कॉपी कर सकते हैं, टोटल ट्रांजैक्शन को भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो अगर हमें पूरा डाटा कॉपी चाहिए तो हमें ये साइल सभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके डाटा को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है उस कंपनी में से कुछ डाटा ही हमें चाहिए, तब हम इस फाइल का, इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंपनी से हमें एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद में दूसरी कंपनी में उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।